नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के पुलिसकर्मियों को लेकर एक आम शिकायत यही आती रही है कि पुलिसकर्मी काम में कोताही बरतते हैं। हालांकि पुलिसकर्मियों के खिलाफ आ रही शिकायतों के बीच अपनी सेवा के दौरान बेहतरीन काम करने के लिए बिहार के 5 आईपीएस अधिकारी समेत 7 पुलिस अफसरों को केंद्रीय मंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। जी हां, आपने सही सुना, बिहार के 5 आईपीएस अधिकारी समेत इन पुलिस अफसरों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। खास बात यह है कि इस सम्मान के लिए देश भर से 152 पुलिसकर्मियों को चुना गया है, जिसमें से 28 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है। हालांकि बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि इस सम्मान में बिहार से भी कई नाम सामने आए हैं, जिसमें बिहार के 2 जिलों के एसएसपी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार इन सभी पुलिस अधिकारियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन 2021 से नवाजा गया है। इस सम्मान अनुसंधान के दौरान उत्कृष्ट काम करने के लिए यह दिया जाता है। आपको बता दें कि इस पुरस्कार की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। मकसद ये था कि अपराधियों के अनुसंधान के मामले में अधिकारियों की दिलचस्पी बढ़ाई जाए और उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन सामने आ पाए। इस पुरस्कार के लिए सीबीआई से कुल 15 अधिकारियों को चुना गया, जबकि उत्तर प्रदेश से 10, केरल से 9, राजस्थान से 9, तमिलनाडु से 8, महाराष्ट्र से 11 और महाराष्ट्र से 11 अधिकारियों का चयन हुआ। बिहार से चयनित हुए अधिकारियों की संख्या दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से काफी ज्यादा है, जो कि बिहार के लिए एक गौरवान्वित करने वाली बात है। वहीं बिहार में मिले पुरस्कार को देखें तो पश्चिम चंपारण की तत्कालीन एसपी और फिलहाल भागलपुर की एसएसपी निताशा गुड़िया भी शामिल है। लगातार निताशा गुड़िया कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। इसके अलावा दरभंगा के एसएसपी बाबूराम, नवादा के तत्काल एसपी और फिलहाल नालंदा से एसपी हरिप्रसाद, नालंदा के तत्कालीन एसपी और फिलहाल एसपी एसटीएफ ट्रेनिंग नीलेश कुमार और दरभंगा के तत्कालीन सिटी एसपी और फिलहाल मधेपुरा के एसपी योगेंद्र कुमार का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा बेतिया जिला बल के इंस्पेक्टर उग्रनाथ झा और नवादा जिला के इंस्पेक्टर मोहम्मद नियाज अहमद का नाम इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा अनुसंधान में बेहतरीन कार्य के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिया जाएगा। इस बाबत बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले पुलिस अधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। जानकारों की माने तो पुलिस कर्मियों को समय समय पर प्रोत्साहन की जरूरत है, क्योंकि प्रोत्साहन मिलने के कारण ही अन्य पुलिसकर्मी में काम करने का जुनून उत्पन्न होता है और समय समय पर पुलिसकर्मियों को मिल रहा सम्मान ये भी दर्शाता है कि बिहार के पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।